चलो लेट्स गो एड एवरीबॉडी। चलो कौन से चैप्टर में हम लोग अब तक? सेकंड इज विच वन? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन वन क्या है बच्चों, याद आ रहा है? इंडेक्स पेज कंप्लीट किया गया? चेक 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 योर टेक्स्ट बुक। इंडेक्स पेज याद आ रहा है? सेक्शन नंबर्स वाला है ना। सेक्शन वन शॉर्ट टर्म एक्सटेंड कमर्शियल एप्लीकेशन, टू डेफिनेशंस, थ्री फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। क्या था बच्चों में याद आया कुछ? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में क्या था? कितने मेंबर्स रहेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम, करेक्ट करेक्ट ना। व्हाट इज थ्री ए? मेंबर्स आर रिलायबल इन सर्टेन केसेस। कब होंगे वो लायबल? अगर कम मेंबर्स वो बिजनेस करते हैं तो, करेक्ट लिया। फोर क्या है बच्चों? एमओए, करेक्ट। वो इज बच्चों एमओए। एमओए में क्या क्या क्लॉजेस थे? भूल गए, इतने जल्दी भूल गए? सबसे पहले बच्चों क्या, तुमको किसी का क्या जानना पड़ता? नाम, सो नेम क्लॉज, देन कहाँ रहते हो, स्टेट क्लॉज, करेक्ट। देन क्या करते हो, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। देन कितना पैसा है, दैट इज व्हाट। कैपिटल क्लॉज, क्या जिम्मेदारी है, मतलब क्या। लायबिलिटी क्लॉज, देन वन मोर व्हाट वी हैव, वी ऑल साइन दैट एमओए ना, साइन करते तो क्या रहता है वो, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, गुड। एंड ओबीसी के लिए देयर इज वन मोर स्पेशल क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज। इतना तो है, आई थिंक इट्स वेरी बेसिक नाउ। ओके, सेक्शन फाइव क्या है? ए है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नॉट बच्चों रूल्स एंड मैनेजमेंट ना ऑफ द कंपनी, करेक्ट लिया। उसमें बहुत सारे क्लॉजेस थे विच इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट कुछ टेबल्स थे, मॉडल या फिर फॉर्मेट टेबल्स थे इन शेड्यूल वन। कुछ याद आया? व्हाट इज शेड्यूल वन? कंपनी एक्ट में है कि नहीं है? एमओए एओए के टेबल्स। तो पहले पांच टेबल्स किसके लिए है? एमओए। एंड अगले पांच टेबल्स किसके लिए है? याद आ रहा है क्या? गुड, एओए। ओके, हु इज सुपीरियर, एमओए या एओए? एमओए। कहाँ लिखा है ये? वो मैं वो नहीं पता। अच्छा ठीक है, अगला सेक्शन नंबर सिक्स पढ़ो। एक्ट टू, राइट, एमओए एओए। और उसमें हमने पढ़ा था बच्चों दैट एमओए इज ऑल्सो सुपीरियर टू एओए, बट दोनों का सुपीरियर कौन है? एक्ट। क्लियर लियो, दैट इज सेक्शन सिक्स। व्हाट इज सेवन? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एट, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, याद आया, सिंपल है ना वो। नाइन, आई थिंक यू हैव कवर्ड। नाइन टेन पढ़ा है हम लोगों ने, आई थिंक। नाइन इज वॉट इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वॉट इज, कुछ याद आ रहा नाइन में क्या था? कि कंपनी जिंदा हो गई, कंपनी नाउ सेपरेटली लीगल एंटिटी एक्सेट्रा, टाइम पास, वो सब। इट कैन बी सी यूड, कैन सी यू एंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। दैट इज नाइन टेन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बच्चों, और किसका? एमओए एओ। अगेन द सेम थिंग, दैट एमओए एओ इज इफेक्टिव फ्रॉम विच डेट? जब कंपनी रजिस्टर हो रही है तब। टेन ए वॉज इंपॉर्टेंट, या फिर समथिंग डिफरेंट यू हैव कवर्ड। व्हाट इज टेन ए? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, याद आ रहा है कुछ? क्या था उसमें फिर से? वो नहीं पता कुछ। हाँ, उसमें तुम्हारे दो ये थे, कॉम्प्लायंसेस थे। एक डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन विद इन हाउ मेनी डेज? वन, रेशन स्टेटस में घुसा उसमें 182। कंपनी लॉ में से 182 किधर भी नहीं है, मतलब बहुत हार्डली एक जगह पर रहेगा वो। कंपनी सेट में भी अभी एनआर का डेफिनेशन 120 डेज, ओके। 182 भी अभी है नहीं कहाँ पर। सो इट इज 180 डेज, सो इज इधर सिक्स मंथ्स, दे राइट सिक्स मंथ्स, या फिर दे राइट व्हाट? 180 डेज, ओके। तो 180 डेज है फ्रॉम डेट ऑफ व्हाट? इनकॉर्पोरेशन। डायरेक्टर्स हैव टू गिव डिक्लेरेशन, व्हाट अबाउट व्हाट? सब्सक्राइबर्स ने पेमेंट किया है। दूसरा भी उसमें था 12-2 के वेरिफिकेशन के बारे में था, 12-2 याद आया? वो दोनों होने के बिना व्हाट यू कैन डू बिजनेस, या फिर एंड दूसरा व्हाट? दो पावर है ना, दो पावर्स छीन लेते ना वो लोग। नहीं, वो दोनों कंप्लेंस होने के बिना यू कांट डू एनी बिजनेस एज वेल एज शेयर कैपिटल। नहीं है ना, शेयर कैपिटल का तो पैसा नहीं आया, इसलिए तो हम लोग और एक पावर उनसे छीन रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। बोरोइंग, यू कांट डू एनी बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब लोन्स हो गया। यू कांट डू टेक एनी बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक्स ऑल्सो। क्लियरली एवरीबडी? तो दोनों मतलब पैसा लाने का भी कोई हमको और जरिया नहीं रहा, एज वेल एज वी कांट डू एनी बिजनेस अनलेस दीज टू कंप्लेंस आर डन। करेक्ट डिलियो, ओके। 10 ए हो गया, 11 कुछ है? 11 सेक्शन इज नॉट देयर, 11 बच्चों सेक्शन है नहीं, ठीक है, इट इज रिमूव्ड। 12 वी हैव कवर्ड, रजिस्टर्ड ऑफिस, यस लियो। उसका इंपॉर्टेंस क्या था? इंपॉर्टेंस, करेक्ट करेक्ट। डॉक्यूमेंट नोटिस सर्व करने के लिए एक जगह चाहिए,
इट कैन बी इनटेंजिबल ऑफिस और इट हैज टू बी टेंजिबल. इट हैज टू बी टेंजिबल. सो वर्चुअल ऑफिस से लगेगा ऑनलाइन वाला से कोई ईमेल वगैरह आईडी नहीं. इट हैज टू बी फिजिकल ऑफिस. ओके लिया वो कैसे भी छोटा रहेगा बड़ा रहेगा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. व्हाट एल्स व्हाट अदर इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑफिस. इम्पॉर्टेंस वो बोला ना उसने वही तो बोला पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोला मतलब एट इज रिसीप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. वेरी गुड. कीपिंग रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड रखना पहले उसका था मिलना मतलब लेना वो डॉक्यूमेंट मिलने के लिए दरअसल भी जगह. सेकेंड कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड्स. तो कंपनी साइड में हमको बहुत सारे कंप्लाइंसेस है ये बुक रखो वो बुक रखो रजिस्टर्स रखो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आर ओ एम कवर किया आर ओ एम कहाँ पर रखेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेंगे. ओके सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस इज रजिस्टर्ड ऑफिस वेर विल कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स. व्हाट एल्स और एक इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हो तुम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ आर ओ में. नॉट शेयर होल्डर्स एनी बडी टू डिटरमाइन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वेर यू कैन फाइल द केस अगेंस्ट द कंपनी. भूल गए याद आया कुछ के नहीं डिस्कस किया था मैंने मुंबई दिल्ली पुणे का कुछ रहेगा कोई शेयर होल्डर दिल्ली का है कंपनी दिल्ली की है शेयर होल्डर मुंबई में एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके ले लियो तो उसका इंजुरी या फिर उसका जो क्राइम है ऑफेंस किधर भी होने दो हम केस कहाँ फाइल कर सकते हैं ओनली एट द रजिस्टर्ड ऑफिस के कोर्ट में. क्लियर लियर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे जो कोर्ट आएगा वहाँ पे हम लोग फाइल कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव कि अगर तुम्हारा क्राइम या फिर ऑफेंस ब्रांच ने किया रहेगा तो भी ब्रांच यू अंडरस्टैंड ब्रांच अकाउंटिंग शायद तुमको है ना अकाउंट्स में अडोट नया था है ब्रांच अकाउंटिंग कुछ है नहीं बट ब्रांच ऑफिस यू अंडरस्टैंड ब्रांच यू अंडरस्टैंड यस चलिए. सो इवन इफ एन ऑफिस इज डन इन अ ब्रांच ब्रांच इज वॉट इज अ पार्ट ऑफ अ कंपनी बराबर है कि नहीं तो ब्रांच कैन बी इन चेन्नई दिल्ली मुंबई किधर भी रहने दो ब्रांच पर हेड ऑफिस अगर लेटेस्ट से तुम्हारा कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में यू हैव टू गो टू दिल्ली ओनली एंड फाइल द केस यू कॉन्ट फाइल द केस अगेंस्ट द ब्रांच ऑफिस. क्लियर डे लियो और क्या किया हम लोगों ने नॉट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ये सेक्शन 12 में था रजिस्टर्ड ऑफिस. ओके देन टेल मी अगर नाम चेंज किया तो कितने साल के लिए हमको पुराना नाम निकला है टू ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज याद आया गया कंपल्सरी है कि नहीं यस yes, लिया और कुछ था उसमें व्हाट वाज 12-2 फटाफट बताओ वेरिफिकेशन 12-2 इज वेरिफिकेशन ऑफ आर ओ विद नॉमिनी डेज 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आईएनसी फॉर्म नंबर 22 कर लियो उसमें तुमको मैंने कुछ लिख के दिया था उसमें लाइट बिल चलता है क्या यूटिलिटी बिल्स चाहिए क्या प्रूफ एज अ प्रूफ चाहिए ना एज अ एड्रेस कितना पुराना चलेगा नॉट ओल्डर दैन 2 मंथ्स याद आया वो फाइन. और क्या किया हम लोगों ने हाँ ये डायग्राम कुछ याद आ रहा है क्या बताओ ये तुम्हारा पहला वाला डायग्राम पे जाते हैं हम लोग चलेगा पहला वाला मतलब द फर्स्ट चेंज कैन यू सी एन एरो विद इन द सर्कल दिख रहा सभी को एवरीबॉडी 10 बजे आर ओ विद इन आर ओ मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है. ओके बट विद इन लोकल लिमिट्स एग्जाम्पल एट गिवन यू बाजी को ऑफिस सेम बिल्डिंग में कोई दूसरा फ्लोर या फिर सेम एरिया सेम सिटी में तुम चेंज कर रहे हो ऑफिस यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड द सिटी और लोकल लिमिट्स तो क्या चाहिए बच्चों इसके लिए बताओ मुझको यू आर गोइंग टू राइट ऑल द कंडीशन हियर एस आर चाहिए कि नहीं चाहिए सब बेवड़े लोग हो तुम लोग सब बेवड़े लोग हैं अच्छी तुमको बी आर चाहिए है ना तुमको सबको बी आर चाहिए ना लायक हो कि नहीं अरे तुम लोग भूल गए लोकल लिमिट्स के अंदर है ना ब्लू वाला क्या चाहिए अरे पढ़ो हे बेशरम नहीं ना ऐसा कब आता है ओनली व्हेन इट गोज बियॉन्ड द लोकल लिमिट दिस वी हैव डिस्कस नो हे भगवान. ओके विद इन लोकल लिमिट्स व्हाट डू यू रिक्वायर इसको क्या हो गया बियर अरे बियर मतलब बियर ओके एवरीबॉडी चलेगा विद इन मच लोकल लिमिट्स व्हाट यू रिक्वायर बी आर ओनली व्हाट इज बी आर नाउ अब वो तुम बताए नहीं है ना राइट डाउन सब लिख के देना पड़ता है लिखो लिखो बी आर बोर्ड रेजोल्यूशन बी आर इज वॉट बच्चो बोर्ड रेजोल्यूशन व्हाट इज एस आर
वो समझता ना तुमको, वॉट इज ओ आर? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. क्लियर क्लियर. अब बी आर भी समझाओ, वॉट इज बी आर, मतलब बोर्ड का मतलब क्या रहेगा, वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साथ में आकर उन्होंने मीटिंग लिया और डिसाइड किया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इज वॉट? बोर्ड रेजोल्यूशन. मतलब ये कैन आई से दिस मैनेजमेंट डिसीजन? ये मैनेजमेंट का है डिसीजन है, इसमें ओनर्स का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं है. तो जनरल पीस पे प्लीज पे अटेंशन, वेन एवर यू वी आर टॉकिंग अबाउट ओ आर एस आर वगैरह, मतलब हम मेंबर्स के पास जाएंगे वोटिंग करवाने के लिए, दिमाग में जा रहा तुम्हारे, बट वहाँ तक जाने के लिए पहले इंटरनली हम डिसाइड करेंगे भाई ये मैटर के ऊपर क्या है, हमारा हमारे खुद के उसके ऊपर क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, वी आर अग्रीइंग विद दिस और नॉट, एंड शुड वी गो टू द मेंबर्स और नॉट. ये पहले सबसे पहले कहाँ पे डिसाइड होगा? हमेशा बी आर में. सो ऑल द डिसीजन यू टॉक अबाउट ओ आर एंड एस आर, सबसे पहले क्या रहेगा? बी आर रहता है उसका ओरिजिन. अंडरस्टूड क्लियर? तो बी आर तक बात खत्म हो गई, देन इट इज ओके, मतलब यू डोंट हैव टू गो टू द मेंबर्स. बट अगर कंपनी साइड में लिखा यू टू पास ओ आर एफ एस आर, देन यू हैव टू गो टू द मेंबर्स एंड पास ओ आर एंड एस आर. बट इवन फॉर दैट ओ आर एस आर द ओरिजिन इज वॉट? बी आर. समझा नहीं समझा? क्लियर? बढ़े आगे. फाइन. सो विद इन लोकल लिमिट्स बी आर. चलो अगला बच्चों एरो कौन सा था तुम्हारा? आउटसाइड लोकल लिमिट्स बट सेम आर ओ सी. बताओ क्या चाहिए था? एस आर एन प्लस और कुछ? एस आर एन कुछ चाहिए और? कुछ नहीं चाहिए बच्चों. वाई? बिकॉज यू आर अंडर सेम आर ओ सी. क्लियर क्लियर एवरीबडी? अगला देखो फिर. और बाहर गए, पुणे से तुम लोग मुंबई चले गए, तो यू आर आउटसाइड लोकल लिमिट्स बट यू आर नाउ विद वॉट बच्चों? डिफरेंट आर ओ सी. अब क्या चाहिए? एस आर चाहिए कि नहीं चाहिए मुझके बताओ? लोकल लिमिट्स के बाहर एस आर यू ऑलवेज रिक्वायर, प्लस वॉट डू यू रिक्वायर? क्या? क्या आर डी? अब आर डी बताओ क्या था? आर डी, वॉट वॉज आर डी? रीजनल डायरेक्टर. हु इज ही? हु इज ही? ही सीनियर ऑफ आर ओ सी. गुड. सो एस आर प्लस आर डी अप्रूवल. गुड. एस आर प्लस आर डी अप्रूवल. क्लियर लियो? बढ़ो आगे. एंड लास्ट वन, स्टेट के बाहर गए. सॉरी, एस आर चाहिए लोकल लिमिट से बाहर गए, एस आर चाहिए, दिमाग में डालो. प्लस इज इट सी जी अप्रूवल? सी जी अप्रूवल. सी जी समझते ना तुमको? सेंट्रल गवर्नमेंट. सी जी अप्रूवल. क्लियर क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल राइट. मुंबई मतलब क्या होगा तुम्हारा? पुणे एंड मुंबई. हाँ ठीक है, बट दिस इज विद इन विद इन महाराष्ट्र वाला चेंज है. करेक्ट क्लियर? यहाँ पे बच्चों कौन सा सेक्शन आएगा? और यहाँ पे इज इट क्लियर? दोनों में फर्क समझ तुमको? वेदर चेंज इज विद इन द सेम स्टेट, तो हमारा एमओए का क्लॉज अमेंड नहीं हो रहा है, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू सेक्शन 13. सेक्शन 12 के अंदर चेंज कर रहे हैं, बट एज सुन एज वी चेंज द स्टेट, हमारा स्टेट क्लॉज चेंज होता है एमओए, दैट्स व्हाई वी हैव टू गो टू व्हाट? सेक्शन 13. हो गया? ऑल ऑफ यू ओके? ले लियो. चेक करो टेबल, फटाफट चेक करो, नहीं उसके नीचे ही देकर रखा है. रेडी एवरीबॉडी? अगर तुम्हारा चेंज है ऑफिस का, आरओ का, कहां पे? विद इन अ सिटी, लोकल लिमिट्स के अंदर है. व्हाट डू वी रिक्वायर? ओनली बी आर. अरे हाँ, है ना, बोर्ड रेजोल्यूशन. आर वी गोइंग टू मेंबर्स? नो. नोटिस टू आर ओ सी विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज. अब ये 30 डेज बच्चों कहाँ से रहेगा? 30 डेज फ्रॉम वेयर? कंपनी वॉन्ट चेंज. डेट ऑफ? हाँ करेक्ट. ये जो ये डिसीजन है बच्चों, ये जो डिसीजन, ये डिसीजन जिसने पास किया, वहाँ से विद इन 30 डेज यू इंटीमेट द आर ओ सी. क्लियर क्लियर एवरीबडी? उसको थोड़ी जाके फोटो दिखाने का अपने को, ये देखा हमारा नया ऑफिस, यहाँ पे आधा फर्नीचर डाल चुके, आधा बच्चा है करके, और जब आप पूरा फर्नीचर डालेंगे तब फोटो भेजेंगे उसको, ऐसे थोड़ी है.
वी आर नॉट डीलिंग विद फोटोग्राफ एन ऑल राइट नाउ, एटलीस्ट वेन यू आर चेंजिंग द ऑफिस, वेन यू टेक अ डिसीजन दैट टाइम यू हैव टू इंटीमेट द आरओसी. उसके बाद शिफ्टिंग पहले करो बाद में करो, दैट इज इररिस्पेक्टिव. क्लियरली एटलीस्ट तब तक टिल द टाइम यू नोटिफाई द आरओसी, इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, टिल द टाइम यू नोटिफाई आरओसी योर ओल्ड ऑफिस हैज टू बी एक्टिव. समझा? देर कैनॉट बी एनी टाइम और प्लेस और डे जहाँ पे तुम्हारा कोई ऑफिस ही नहीं है, इधर भी बंद ताला बंद पड़ा हुआ और उधर भी बंद है, शिफ्टिंग चल रहा है, नहीं. तुम्हारे ऑफिस कुछ ना कुछ देख हमेशा एक्टिव रहना चाहिए. चलिए एंड कॉमन सेंस आरओसी के साथ एमसी, आरओसी इज पार्ट ऑफ एमसी मतलब गवर्नमेंट, हमेशा अपडेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहना चाहिए. ओके बड़े आगे हम लोग. चलो विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, लेट अस से पुणे नासिक, इन्होंने बच्चों फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर किया है क्या? नहीं. तो तुम्हारा कौन सा हो गया? पुणे नासिक. क्लियर है? पुणे नासिक क्यों कह रहा हूँ, फिर पुणे लोनावला क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज इट इज विद इन द सेम आरओसी. तो क्या चाहिए? अपने एसआर चाहिए, एसआर चाहिए ना, बट डू वी रिक्वायर आरडी अप्रूवल? नो, बिकॉज वी आर विद इन द सेम आरओसी. तो ओनली बच्चों व्हाट? एसआर चलेगा. बड़े आगे विद इन अ स्टेट बट फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर, बच्चों तुम्हारा मुंबई का लेके बाकी का कोई भी सिटी इन द महाराष्ट्र, एसआर चाहिए, आरडी परमिशन 30, 60, 30 को ज्यादा रह गया. 30, 60, 30 क्या था बच्चों? आरडी टू गिव अप्रूवल और जो भी रहेगा विद इन 30 डेज, देन अगेन यू सबमिटेड बैक टू द आरओसी विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज, एंड आरओसी विल टेक इट ऑन रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट 30 डेज. सो 30, 60, 30 एंड लास्ट तुम्हारा बच्चों कौन सा है? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सेक्शन 13 बच्चों विल कम इन टू पिक्चर यहाँ पे. समझा? क्या क्या एस आर चाहिए? सी जी अप्रूवल, द सी जी विल गिव रिजल्ट विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज, एंड यू विल इंटीमेट द आरओसी विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज. हुआ? बड़े आगे. फाइन, सॉरी, कम टू पूछ पेज 2.16. रेडी एवरीबडी? इसको खत्म करते हम लोग. द लाइब्रेरी क्लॉज कैनॉट बी ऑल्टर्ड वंस द कंपनी इज इनकॉर्पोरेट, बिकॉज वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है. बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों यू कैनॉट चेंज. ओके डिलियर, मतलब लोग तुम्हारा जेंडर चेंज कर देंगे या फिर कोई भी अपना अपना कर लेगा, बट कंपनी कैनॉट डू दैट. इन वॉट बच्चों? कंपनी इज एट अनलिमिटेड का लिमिटेड बन गया, या फिर लिमिटेड बाय शेयर्स का लिमिटेड बाय गारंटी बन गया, वाइस वर्सा बन गया. नो, लाइब्रेरी कैनॉट बी चेंज. मतलब बाकी के तुम्हारे क्लॉज देखो, नेम क्लॉज कैन यू चेंज योर नेम? येस. ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन यू चेंज? येस. स्टेट क्लॉज? येस. कैपिटल क्लॉज? येस, यू कैन इंक्रीज योर डिक्रीज योर कैपिटल, बट यू कॉन्ट. सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज करके कोई सवाल ही नहीं उठता है, उसमें कुछ है नहीं, इट इज जस्ट अ सिग्नेचर. तो बचा कहता है ऐसे लाइब्रेरी क्लॉज, बट दैट कैनॉट बी ऑल्टर्ड और अमेंडेड, बिकॉज दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. अंडरस्टूड लियर? समझा गया? तुमने टेबल ए बी सी डी कुछ ना कुछ उसमें चूज किया था ना, यू कांट स्विच द टेबल विद इन द लाइफ ऑफ द कंपनी. अंडरस्टूड? बड़े आगे. चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज टू बी रजिस्टर्ड विद आर ओ सी विद इन 30 डेज. ओके, विद इन हाउ मेनी डेज बच्चों? 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ एस आर. वॉट इज एस आर? स्पेशल रेजोल्यूशन. देर आफ्टर आर ओ सी विल टेक इट ऑन रिकॉर्ड बच्चों. विद इन हाउ मेनी डेज? नेक्स्ट विद इन 30 डेज. ओके डेलियो, एवरी बच्चों ऑल्टरेशन हैज़ टू बी रजिस्टर्ड. यहाँ पे एक बार स्टार मार्क दे दो लास्ट लाइन को. नो ऑल्टरेशन टू एमओए विल हैव इफेक्ट टिल इट इज रजिस्टर्ड विद आरओसी. मतलब कुछ समझा नहीं समझा? तुम्हारा कितना भी बोर्ड रेजोल्यूशन एसआर वगैरह कितना भी चाहिए वो सब पास करवा लो, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, उसको कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं रहेगा जब तक इट इज फाइल्ड विद आरओसी. क्लियर? सबसे पहले किसको पता होना चाहिए? आरओसी को. ओनली देन इट इज व्हाट बच्चों? वैलिड. क्लियर? बड़े आगे आ जाओ. कम अगले पेज पे, 18 पे. रेडी? पढ़ते हूँ. एक्स वाई लिमिटेड हैज इट्स आर ओ एट कहाँ पे बच्चों? मुंबई. फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द कंपनी वॉन्ट्स टू शिफ्ट इट्स आर ओ फ्रॉम मुंबई टू पुणे. It is in the same state of Maharashtra. What formalities the company has to comply with under the Provisions Companies Act for shifting its registered office as stated above? Company is allowed or not allowed to shift its office? Yes. The company, dekho fatafat. The company can. The company can shift its RO from one place to another
The company can shift its RO from one place to another by following relevant provisions of Section 12 and Section 13. Full stop. In the given case, the change is within the same state. However, it results in change of किसका बच्चों? What change? ROC, correct. हुआ? The company needs to pass बच्चों which resolution? Pass SR and take approval किसका? And take approval of RD for this change. The company needs to pass a SR and take approval of RD for this change. Clear? उनके बिना होगा नहीं. Done everybody? आज 14-15 खत्म करते हैं छोटा वाले, then we'll see कुछ question answers है क्या. 14 बच्चों, what do you see? 15 नीचे भी है but 14 is बच्चों articles, alteration of articles. Okay everybody? Alteration of articles. 13 किसके लिए था? Alteration memorandum था. तो similarly तुमको कुछ अगर rules, conditions कुछ बदले तुम्हारे company के, you can alter बच्चों what? Your AOA. अगर कंपनी प्राइवेट टू पब्लिक जा रही है, अगर बच्चों कंपनी व्हाट प्राइवेट टू पब्लिक जा रही है, व्हाट चेंज कैन यू डू एटलीस्ट एक आध दो कोई चेंज इन ऑल्टरेशन इन एओए. अगर कंपनी बच्चों प्राइवेट टू पब्लिक जा रही है ऐसे तुम क्या पॉइंट चेंज करोगे एओए में? वेरी गुड. उसमें तुम्हारा फेमस वही है बच्चों, और कुछ है क्या? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. प्राइवेट में क्या था? इज द रेस्ट्रिक्शन. यस. और तुम क्या लिखोगे पब्लिक कंपनी के एओए में? क्या लिखोगे नाउ? नाउ व्हाट विल यू राइट? The shares are what? Freely transferable. था ना? Private company में कुछ ना कुछ conditions रहेंगे पहले कि अगर तुमने एक्स वाई ज़ेड conditions follow किए तो दो ही we can transfer or sell the shares. अभी conditions नहीं रहेंगे in case of public company. So you, where is the change noted? In AOA. What else? Number of members के बारे में कुछ रहेगा? Private company में था ना वो clause. कौन सा clause था? 200 वाला. वो पूरा का पूरा तुम delete करोगे. You'll delete it. You'll say what? There is no upper limit on the number of members in the company. Clearly, so these are the changes where you will notify where bachcho in the AOA. Jo private company ke prohibitions, restrictions the, wo sab kya ho jayenge? Apne aap hat jayenge. Private company mein likha hua rahega AOA mein what? Company cannot do public offer. Ye point hat jayega in case of bachcho which company when it gets converted into what? A public company. Samajh rahe sabhi? Go. Pakka? Badhu aage? Chalo. So, aage. Matters as to which MOA is silent can be dealt by the alteration of AOA. वो छोड़ दो उसको. Section 14 of the company that vests the company. Vest means gives the power. Okay? Gives power to the companies to alter or add to its articles. So company which may buy what? SR. Alter its AOA. आगे क्या लिखा बच्चों? Subject to मतलब क्या होता है? Conditions है कि नहीं है? मतलब it cannot override who? Obviously. MOA and companies act. सबसे सीनियर कौन है? कंपनीज एक्ट. देन एमओए एंड देन बच्चों व्हाट? एओए. सो एओए कैन ओवरराइड एमओए एज वेल एज कंपनीज एक्ट. क्लियर लियो? ऑल्टरेशन टू इंक्लूड कन्वर्जन ऑफ क्लासेस ऑफ कंपनीज. प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, वाइस वर्सा. और कुछ कन्वर्जन के एग्जाम्पल देखे थे हम लोगों ने? एनीथिंग यू एल्स यू कैन थिंक ऑफ? वन टाइप ऑफ कंपनी चेंजिंग इनटू अनदर.
ओबीसी टू प्राइवेट, ओबीसी टू पब्लिक मॉडल्स, सेक्शन 8, ये तो वॉलंटरली या फिर इवन इनवॉलंटरली, याद आया क्या? इनवॉलंटरी याद आ रहा क्या? गवर्नमेंट ने बाबू लगाया था, यस से लिया, ओके। अगला वाला इंपॉर्टेंट स्टार मार्क दे रहा हूं मैं, एनी ऑल्टरेशन हैविंग इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ बच्चों किसका, पब्लिक इनटू प्राइवेट, तुम खुद वॉलंटरली चेंज करते हो, शैल नॉट बी वैलिड बच्चों अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय सीजी। प्राइवेट टू पब्लिक जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ नेचुरल प्रोग्रेशन, जैसे कंपनी बढ़ती जा रही, बड़े होती जा रही, तो अपन और उसको और लोगों को लेके आए बंद, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट इफ कन्वर्टिंग बच्चे फ्रॉम वॉट पब्लिक टू प्राइवेट, तो किसका अप्रूवल चाहिए? सीजी का चाहिए। बच्चों क्यों चाहिए? पर तुमको क्या लगता है क्यों चाहिए? इधर बोला तो बोला है, बट क्यों? पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व इसलिए, वेरी गुड, सिंपल, उतना ही लॉजिक है। वाई बच्चों? बिकॉज पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व। तुमने पब्लिक कंपनी रह के तुमने बहुत सारे पैसे लिए थे लोगों से, अब ना प्राइवेट बैंक तुमको छुपना पड़ रहा है, भाग रहे हो, ऐसा कुछ तुम्हारा इंटेंशन है, इसलिए द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू वॉट हैव अ अप्रूवल फर्स्ट और चेक कि तुमने सबका कुछ प्रोविजन ठीक से रखा है कि नहीं, तुम्हारे फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे कि नहीं, तुम्हारे असेट्स जगह पे है या नहीं लोगों को पेमेंट करने के लिए। सो दे विल टेक इट ऑन रिकॉर्ड एंड देन दे विल अप्रूव फॉर कन्वर्जन इनटू प्राइवेट। यस, आगे सेक्शन 15 इज एप्लीकेबल, हम लोग देखेंगे। द ऑल्टरेशन मस्ट नॉट एक्सीड द पावर्स गिवन बाय एमओए इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एमओए एओए यूज, ऑब्वियसली सिंपल सेंसेस में क्या रहेगा, एमओए विल ओवरराइड एओए कभी कोई चीज में झगड़ा हुआ तो। अगला भी टाइम पास है। द ऑल्टरेशन हमेशा बच्चों कैनॉट बी वॉट, रेट्रोस्पेक्टिव। द ऑल्टरेशन ऑलवेज वॉट बच्चों, उसके लिए ऑपोजिट वर्ड कौन सा था? रेट्रोस्पेक्टिव का ऑपोजिट वर्ड क्या था? लिख के दिया था तुमको मैंने, जनरली तुम्हारे तीन होते हैं, एनीथिंग बच्चे कैन बी इफेक्टिव फ्रॉम बैक डेटेड और फ्यूचर डेटेड और बच्चों व्हाट, इमीडिएटली। तो बैक डेटेड जो है उसका बच्चों रेट्रोस्पेक्टिव, बट फ्यूचर डेट से अगर इफेक्टिव रहेगा तो बच्चों कॉल्ड एज व्हाट, प्रोस्पेक्टिव। लिख लो फटाफट, हुआ ऑल ऑफ यू? बड़े आगे बच्चे हम लोग। सो ऑल्टरेशन बच्चों हमेशा क्या रहेगा, बैक डेटेड या फ्यूचर डेटेड? चेक करो एओए का ऑल्टरेशन, बैक डेटेड रहेगा? रहेगा। तो वो मीनिंग तो भी समझ रहा क्या चल रहा है क्वेश्चन सिलेबस में एवरीबॉडी? द ऑल्टरेशन कैन नॉट बी विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब समझता है क्या? मतलब आई मेक अ चेंजेस टुडे, लेट अस से आई एम अ प्राइवेट कंपनी, लेट अस से बच्चों एज ऑफ टुडे 2024 में वी आर अ प्राइवेट कंपनी, बराबर है एवरीबॉडी? समझ रहे क्या? एंड इन नाउ मार्च
क्या है इसको, क्या है इधर चेंज हो रहा है? अरे मार्च 24 वी आर प्राइवेट कंपनी एंड वी चेंज AOA, वी ऑल्टर बच AOA, और हम लोग कह रहे कि हम पब्लिक कंपनी है अब से नहीं, 2020 से। कब से बच्चों? 2020 से। अमेंडमेंट कब किया? 2024 में। और तुम लोग क्या कह रहे हो कि क्या हम लोग पब्लिक कंपनी है? कब से? 2020 से। मतलब वॉट एवर यू डन बिटवीन 20 एंड 24 इज एज गुड एज यू आर वॉट अ पब्लिक कंपनी, चलेगा क्या? नो। तो तुमने जब चेंज किए, समझा क्या कुछ? तुमने जब चेंजेस किए हैं, कब किया है? मार्च 24 में। वॉट आर यू कन्वर्टिंग प्राइवेट इन टू बच्चों वॉट अ पब्लिक? तो इफेक्ट कब से है वो? अर्लियर डेट या फ्यूचर डेट से? फ्यूचर डेट। इट कैन बी इफेक्टिव इमीजिएटली राइट नाउ या फिर जो भी प्रोस्पेक्टिव, बट नेवर रेट्रोस्पेक्टिव। कुछ समझा नहीं समझा? सो वॉट एवर चेंजेस यू आर डूइंग टू द करेंट स्टेट, बट इफेक्टिव बच्चों फ्रॉम टूडे, क्लियर? नॉट फ्रॉम पास्ट। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, चलो आ जाओ आगे। द इफेक्ट ऑफ ऑल्टर्ड AOA इज बाइंडिंग ऑन मेंबर्स एंड कंपनी जस्ट लाइक ओरिजिनल AOA, दैट इज ओके। मतलब जस्ट जो तुम्हारा नया ऑल्टर्ड AOA है, इट विल रिप्लेस द ओरिजिनल AOA, है ना? अगला लाइन, जितने तुमको दे सको उतने दे दो बच्चों, आप स्टार्स, उतना तुमको बाय हार्ट चाहिए वो लाइन, क्योंकि सबसे यूनिक पॉइंट कभी MCQ के लिए आया, और नंबर ऑफ डेज ही बच्चों थोड़ा सा अलग और डिफरेंट है। चेक करो, एवरी ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स शैल बी फाइल्ड विद बाबू, बाबू ROC टुगेदर विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ AOA बच्चों विद इन हाउ मेनी डेज? यही तुम्हारा बच्चों बहुत यूनिक 15 डेज वाला है, बाकी का कंपनी साइड का कितना है, सॉरी MOA का कितना था? 30 डेज। एवरी वेयर ऑलमोस्ट इट इज वॉट बच्चों? 30 डेज, 7 डेज, 30 डेज वगैरह वगैरह, 15 डेज बस AOA के लिए है। सो अलॉन्ग विद द ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ वॉट? AOA। कितने दिनों के अंदर बच्चों? 15 डेज ऑफ द ऑल्टरेशन टू सबमिट टू द ROC। MOA के लिए बहुत टाइम है बच्चों, 30 डेज होता है, समझा? प्लीज एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस, इंपॉर्टेंट है वो। 15 डेज, ओके, AOA ऑल्टरेशन। बड़े आगे हम लोग, एंड उसमें तुम्हारा लास्ट पॉइंट बहुत सिंपल, पढ़ो फटाफट। वॉट अबाउट सेक्शन 8 का कोई भी MOA ऑल्टरेशन? इट हैज टू बी बच्चों बाय, ओनली बाय अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। ये हमने ऑलरेडी कवर किया था ना, करेक्ट है? ऑलराइट, सेक्शन 15, ऑल्टरेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ MOA एंड AOA, रेडी? एवरी ऑल्टरेशन मेड इन MOA और AOA ऑफ अ कंपनी शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ MOA और AOA एज द केस में भी। शैल बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ MOA का मतलब क्या? उनके पास अभी जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है MOA AOA का, मैंने से स्टॉक मतलब टॉकिंग ऑब्वियसली और नाउ फिजिकल कॉपी, तो उसमें हर एक में फिजिकल, हर एक की फिजिकल कॉपी में तुम क्या करोगे? जितने भी चेंजेस हुआ है उसको नोटिफाई करोगे। मतलब वॉट एवर यू हैव ऑन रिकॉर्ड और इन स्टॉक, इट कैन नॉट बी एन ओल्ड वन, उसको तुमको अमेंड करना पड़ेगा। ये तो डिस्ट्रॉय कर दो चाहिए, तो बेस्ट है वो, क्या कर दो उसको डिस्ट्रॉय और नए वाले प्रिंटआउट लेके आओ, दैट इज द बेस्ट। पर वैसा नहीं रहेगा तो, एंड इफ एट ऑल यू आर स्टिल गिविंग अप, गिविंग आउट MOA जो ऑलरेडी प्रिंटेड है, व्हाट केयर यू शुड टेक? अमेंडेड है, ऑल्टर्ड है, वही जाना चाहिए। अंडरस्टैंड क्लियर ऑल ऑफ यू? गलती से भी पुराना MOA नहीं दे सकते हो, दिया तो क्या हो जाएगा? 1000 रुपीज पर डे नहीं है वहां पे, 1000 रुपीज बच्चों वॉट? पर कॉपी ऑफ MOA एंड पर कॉपी ऑफ AOA। मतलब अगर तुम्हारे दोनों में चेंजेस थे तो तुम्हारा 2000 रुपये पर कॉपी लग जाएगा। समझा नहीं समझा? क्लियरली एवरीबडी? अगेन इट इज अ, यू कैन से, इंपॉर्टेंट पेनल्टी, स्टार मार्क कर लो उसको। कौन कौन जिम्मेदार बच्चों? कंपनी एंड एज वेल एज OID। हाउ मच? 1000 फॉर पर कॉपी, ओके, ऑफ सच MOA और AOA इश्यूड विदाउट सच ऑल्टरनेशन। समझा? ऑल ओके? हाँ, तो लेट्स चेक कुछ क्वेश्चन आंसर्स है क्या? आ जाओ, क्वेश्चन 3 बहुत सिंपल है। ना
30 डेज ना बच्चों, करेक्ट? नो, कम टू 2.32 क्वेश्चन नंबर 20। रेडी, आ जाओ। द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ MOA ऑफ विवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एम्पावर्स इट टू कैरी ऑन रियल एस्टेट बिजनेस एंड एनी अदर बिजनेस दैट इज अलाइड टू इट। ड्यू टू डाउनवर्ड ट्रेंड इन रियल एस्टेट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू टेक अप बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी। तो कौन सा केस है? चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द कंपनी वॉन्ट्स टू ऑल्टर इट्स MOA सो एज टू इंक्लूड फूड प्रोसेसिंग इन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। Examine whether the company can make such change as per provision of the Companies Act. Right, Ilya? तुमको question में किधर भी कुछ hint नहीं मिलेगा। Now this question is about section 13. ये तुमको identify करना है। Clear, Ilya? अभी तो भी ठीक है, because you are dealing in that chapter, तुमको समझ जाएगा। हाँ, अभी just पढ़ा है हम लोगों ने। Clear, everybody? चलो। Alteration of Objects Clause. The Companies Act has made alteration of MOA very simple. Under section 13.1. A company बच्चों by passing of what? SR बराबर है कि नहीं? After complying with procedures specified in the section, alterates MOA. In the case of alteration of the object clause, क्या हो गया इसको? पढ़ो बच्चों, तुम लोग पढ़ो तब तक। हुआ, मैंने जो हाईलाइट किया उसको अंडरलाइन करो बच्चों नोट्स में, आंसर इसमें टेक्स्ट बुक में करो फटाफट अंडरलाइन। तुम्हारी वो प्रैक्टिस हैबिट होनी चाहिए टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अंडरस्टूड? वेन एवर यू रीड एनी गिवन और रेडीमेड आंसर एज वेल एज वेन एवर यू राइट एनी आंसर, ओके? कर लो फटाफट अंडरलाइन कर लो। हो गया, बढ़ आगे बच्चों। ऑल राइट, और एक कंपेयर टू सेक्शन 13 एक पॉइंट कवर करते हैं हम लोग, वो रह गया है। And we'll come back to the question also then. (2.16) Ready? Check this part. Change in the object of the company. तुम फिर से क्या object change कर रहे हो क्या? हाँ, that is okay. तो हमने follow किया हो। जिनको बस क्या करना है? SR pass करना है। किसको submit करना है? ROC. अरे आया ना, एंड आर ओ सी टेकन ऑन रिकॉर्ड विद इन हाउ मेनी डेज, उसको सर्टिफाई करेगा कितने दिनों के अंदर? 30 डेज के अंदर। यस, चलिए, दैट वाज आल्सो फाइन। अब चेक करो बच्चों दूसरा केस है। अ कंपनी व्हिच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रॉस्पेक्टस, कुछ समझा नहीं समझा?
रेजिंग मनी समझ रहा है, प्रॉस्पेक्ट समझता है, ऑफर दिया लोगों को और वहां से बच्चों लोगों ने एप्लीकेशन मनी भरा है, राइट एलियो? टेल मी बच्चों, कैन यू जस्ट क्विकली टेल मी व्हाट डू यू थिंक प्रॉस्पेक्टस में रहेगा? प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या रहेगा? अच्छा, व्हाट इज द प्रॉस्पेक्टस? व्हाट एवर इज द आंसर, तुमको पढ़ाया थोड़ी मैंने, तो व्हाट एवर यू थिंक इसमें इंक्लूड होगा. इट इज इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज, वेरी गुड. और उसमें कोई डिटेल्स रहेंगे क्या? रहेंगे, ठीक है. हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड. ऑब्जेक्ट रहेगा, व्हाट एल्स? वेरी गुड ना, प्रीवियस परफॉर्मेंस की कंपनी ने अब तक क्या परफॉर्म किया पिछले 3-5 सालों में, है कि नहीं? क्रेडिट लिया, फिर डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करेंगे लोग, पीएनएल, बैलेंस शीट, पूरा तुम्हारा रिकॉर्ड रहेगा, रेशियोज रहेगा, ऑल दी रेशियोज विल बी गिवन टू यू कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है. यस चलिए, मुझको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताओ, प्रॉस्पेक्टस का काम क्या है? प्रॉस्पेक्टस का तुमने कभी स्कूल कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस सुना है? दैट आई थिंक डिस्कस दैट, आई थिंक उसका काम क्या है? अच्छी चीज़ें बताना है, बुरी चीज़ें बताना, क्यों? इट इज लाइक एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट ओनली, सिंपल है वो. क्या बच्चों? एडवर्टाइजमेंट का एक डॉक्यूमेंट है वो, क्लियरली हो, बट उसमें फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए. इसलिए MCA मतलब कंपनीज एक्ट एज वेल एज योर सेबी टेल्स यू कि क्या क्या डिटेल्स उसमें आने चाहिए. समझ रहे हो? ऑल ऑफ यू, क्लियरली हो? बट यहाँ पे कंपनी का पर्पस क्या रहेगा? हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, क्लियर हो? नो, यस, आ जाओ. सो कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रॉस्पेक्टस एंड स्टिल हैज एनी अनयूटिलाइज अमाउंट, कुछ समझा नहीं समझा? उसके बाद प्रॉस्पेक्ट इश्यू किया, एप्लीकेशन मनी मिला, यस, और उसका वो पैसे कब वो लोग क्या करने वाले थे? यूज इट फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट्स, जो भी तुमने डिस्कस किया प्रॉस्पेक्टस में. बट अब चेक करो, देन इट शैल नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट हैज रेज द मनी अनलेस SR इज पास्ड. ओके, मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ऑब्जेक्ट के लिए तुमने पैसा रेज किया था तुमको उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, यस. बट कैन यू यूज इट फॉर सम अदर ऑब्जेक्ट? यू कैन, देयर इज अ तरीका. कैसे बच्चों? बाय पासिंग ऑफ SR, क्लियरली बच्चों? बाय पासिंग ऑफ व्हाट? SR थ्रू अ पोस्टल बैलेट. अब पोस्टल बैलेट क्या है? इट इज जस्ट द मेथड ऑफ वोटिंग. लिख दो बच्चों उधर, मेथड ऑफ वोटिंग सेक्शन 110. मेथड ऑफ वोटिंग सेक्शन 110. हुआ? ऑल ऑफ यू, आगे. एंड द डिटेल्स, मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम पैसा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? पर SR पास करवाना पड़ेगा. ओके, द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल ऑल्सो भी पब्लिश बच्चों कहाँ पे? इन न्यूज़पेपर. ओके, हमको बाद में सेक्शन 27 आएगा. कौन सा आएगा? सेक्शन 27. तब ये चीज़ें हमको फिर से डिटेल में रहेगा बाद में. ओके एवरीबॉडी, आगे. द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, व्हाट यू मीन बच्चों डिसेंटिंग? What do you mean by dissenting? Those who don't own the shares anymore? नहीं, हाँ, ओके. बट डिसेंट का मतलब क्या है? ओके, वॉट एल्स? नॉट परफेक्ट बट शुड बी. इट इज ऑपोजिट ऑफ एसेंट. अब एसेंट पर समझते हैं ना, एसेंट मतलब क्या? हाँ या ना, हाँ, अप्रूवल. सो डिसेंट मतलब दे डू नॉट अग्री, दे डिसअग्री वन. ओके दोस्तों बच्चों, व्हाट? डिसअग्री, लिख लो फटाफट, डिसअग्री. नोटबुक में पीछे भी लिख दो, नोटबुक में लास्ट पेजेस पे भी लिख दो. आई थिंक हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे क्या पीछे? हाँ, तो वहाँ पे लिख दो डिसेंटिंग या फिर डिसेंट.
मतलब डिसएग्री। राइट एवरीबॉडी, द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स मतलब जिनको हाँ या ना है, ना है। अब रेड टू अंडरस्टैंड, अब वो ऑब्जेक्ट चेंज करने के लिए कितना चाहिए मेजोरिटी, एसआर चाहिए, ऊपर दिया ना बच्चों क्या चाहिए अपने को, एसआर। एसआर में कितना नंबर चाहिए रहता है हमको, एटलीस्ट 75। अरे हाँ या ना कर लियो, एटलीस्ट 75 लिखा उस दिन नोटबुक में, सेम गलतियाँ करो तुम लोग बार बार। ओआर के लिए था वो, ओआर में एटलीस्ट 50 नहीं बोल सकते हम लोग, याद आ रहा, समझ रहे नहीं समझ, बाउंसर गया। ओआर में वी कांट से एटलीस्ट 50, ओआर में वी हैव टू से मोर देन 50, एसआर में वी हैव, वी कैन से और वी हैव टू से एटलीस्ट 75। लिख के दिया शायद मैंने कहीं पे ये, ओके। एनीवेज तो लेट अस से पे अटेंशन, 80-20 चलेगा अपने को, 80 आर इन फेवर, 20 बच्चों अगेंस्ट। एस आर पास हुआ नहीं हुआ, हुआ अरे हाँ या ना, इनका बच्चे जो 20 है आर दे ओके विद द रेजोल्यूशन, नो, इसलिए उन्होंने डिसेंट किया, उन्होंने नहीं बोला। बट उनका भी पैसा क्या नए बिजनेस में इस्तेमाल होगा, न्यू ऑब्जेक्ट में, येस दे डोंट वॉन्ट दैट, तो उनको भी एग्जिट ऑप्शन देना चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट? अब शायद उनको लगे कि 80% लोग रिस्क ले रहे, तो हम में से कुछ कुछ लोग शायद ऐसे हो सकता है कि इसमें से 5 लोग रुक गए, इसमें सोचो क्या 5% लोग रुक गए, दे ओके विद व्हाट न्यू बिजनेस, बट बचे हुए जो 15 लोग हैं दे वांट टू एग्जिट द कंपनी। तो बच्चों हम लोग उनका क्या, उनका जो भी पैसा आया था वो उनका रिटर्न कर देंगे, सिंपल, इट इज लाइक अ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर लियो, तुम तुम्हारा पैसा लो और जाओ, सिंपल। सो द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट बाय द प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स हैविंग कंट्रोल एज पर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी, क्लियर लियो। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए जो लोग ना कह रहे उनको बच्चों हम एग्जिट का मौका दे देंगे, सिंपल, क्लियर लियो। बट इट इज द पॉइंट इज व्हाट, इट इज पॉसिबल फॉर कंपनी टू चेंज द ऑब्जेक्ट इवन आफ्टर रेजिंग द मनी, मतलब बोला कुछ और उसके बाद पैसा रेज किया और फिर कर कहीं कुछ, कर कुछ और रहे इस्तेमाल, उसको कहीं और इस्तेमाल कर रहे हो, क्लियर। आ जाओ बच्चों, कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? देखो उसका थ्योरी, ट्वेंटी फोर है क्या? अच्छा 24 है, इसको स्टार मार्क दे दो, एंड इट इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। तुमको मैंने होमवर्क दिया अब तक कभी? हाँ वो वाला क्वेश्चन दिया था क्या होमवर्क? अरे पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन, उसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग हाईलाइट करेंगे, ओके एवरीबॉडी। आ जाओ, अनुष्का सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ, पहली बात हाईलाइट अंडरलाइन द वर्ड लिमिटेड, दिस विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू रीड द क्वेश्चन, बिकॉज अभी तुम्हारा पब्लिक कंपनी है तो तुम्हारे दिमाग में मतलब पॉइंट्स आने चाहिए। इज अ मैन्युफैक्चरर बच्चों ऑफ व्हाट, सीसीटीवी कैमराज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीसीटीवी कैमराज इज व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, बराबर। आगे, इट हैज रेज ऑलरेडी 100 crore थ्रू पब्लिक इशू ऑफ इज इक्विटी शेयर्स फॉर स्टार्टिंग वन मोर यूनिट ऑफ सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग, तो उनके एक यूनिट खोलना था इसलिए पैसा रेज किया। अब वो 100 में से दे ऑलरेडी यूटिलाइज 10 crore एंड देन इट रियलाइज दैट इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस डज नॉट हैव पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दिया है ऑन इम्पोर्ट ऑफ सीसीटीवी कैमरा एंड हेंस इम्पोर्टेड कैमरास फ्रॉम चाइना आर चीपर देन इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग। नाउ इट वॉन्ट्स यूटिलाइज द रिमेनिंग अमाउंट इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बिजनेस By adding a new object in its MOA, समझा नहीं समझा? They have raised बच्चों 100 crore by what? CCTV बोल के, उसमें से 10 crore उसने इस्तेमाल कर लिया, बचा कितना 90, they want to utilize that बच्चों in the new object, clear? आगे, does companies that allow such a change of object? If not, then what advice will you give to the company? If yes, सब तरीके से पूछा, then give steps to be followed. तो नॉर्मली इट इज नॉट अलाउड बट ऑब्वियसली बच्चे एक्सेप्शन, इट विल बी अलाउड बाय फॉलोइंग द प्रोसेस। तो क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी विच हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस एंड स्टिल हैज बच्चों एनी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट
ऑफ द मनी सो रेज शाल नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट फॉर विच इट हैज रेज द मनी थ्रू प्रॉस्पेरस अनलेस बच्चों क्या एस आर इज पास्ट एंड डिटेल्स ऑफ सच एस आर ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल ऑल्सो भी पब्लिश इन बच्चों वॉट न्यूज पेपर कौन से न्यूज पेपर में अभी चेक करो वन इन इंग्लिश एंड वन इन लोकल लैंग्वेज अब वो लोकल लैंग्वेज तो थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे हैं तो लोकल कौन सा पकड़ा जाएगा आर ओ वाला वेरी गुड विच इन सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर द आर ओ इज सिचुएटेड एंड शैल ऑल्सो भी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी इंडिकेटिंग देयर इन द जस्टिफिकेशन फॉर सच चेंज द डिसेंडिंग शेयर होल्डर शैल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू व्हाट एग्जिट बाय प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स एज पर सेबी रेगुलेशंस कंपनी विल हैव टू फाइल कॉपी ऑफ एस आर विद आर ओ सी कोई भी एस आर रहेगा कोई भी ऑल द एस आर हैव टू बी विद फाइल विद व्हाट आर ओ सी and he will certify the revision of within a period of what 30 days alteration can be effective only after this certificate ye to humne dekha tha koi bhi alteration to moa is bachcho kab when it is effective only when the roc takes it on record clear looking at the above provisions we can see that company can add the object of mobile app development in its moa and divert the public money into that business but it will have to comply with the above requirements underline kar do jo bhi tumko dikh raha hai यू इमेजिन यूर पेपर चेक कर और ऐसा आंसर तुम्हारे सामने आया है हाईलाइटेड इट मेक्स योर वर्क इजियर सिंपल उसको पेपर चेक कर समझ आता कि तुमको सब कुछ पता है ऑब्वियसली उनको बच्चों ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए अंडरलाइनिंग होना चाहिए स्पेशियस लिखना चाहिए सब बेसिक चीज़ें बहुत ओके एवरीबॉडी और जानबूझ को कुछ भी फेंक के मत आओ उस दिन तुमको से बहुत इंस्पिरेशन आ रहा है मोटिवेशन खुद लॉयर बन गए खुद कुछ ना कुछ ऑथर बन गए खुद का लॉ बना के लिखे हैं बस लाइंस बढ़ा रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला इनफैक्ट उस इंप्रेशन खराब होगा अगले मार्क्स भी और कम मिलेंगे ओके अगले क्वेश्चन को क्लियर लियो समझा होमवर्क राइट का मतलब तुमको हैव यू रिटन एनी होमवर्क बिफोर क्वेश्चन आंसर वाला किया है क्या क्या किया है क्या है जिन्हें नोटबुक आप टोल्ड टू मेक अ सेक्शन सेपरेट पार्ट सेक्शन इन नोटबुक वहाँ पर तुमको राइटिंग प्रैक्टिस करना है यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चन प्लीज ओके ये रिपीट नहीं करना तुमको ये वाला समझा क्या वॉट यू राइट बच्चों ओनली क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट राइटिंग दी आंसर देख के लिखना है खुद के मन से मत लिखो इट इज ओनली फॉर योर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए और करके आओ आज एंड आफ्टर यू क्लिक आफ्टर यू डन इमीजिएटली क्लिक फोटो एंड सेंड इन द ग्रुप वो रोज का प्रैक्टिस चाहिए सबका जब जब तुमको होमवर्क आएगा एक का हो जाएगा एज अर्ली एज पॉसिबल एज सुन एज पॉसिबल डू इट ताकि दूसरों को याद रखे फिर वो खत्म होना हो जाना चाहिए अंडरस्टूड क्लियर ग्रुप पे फोटो भेजो आंसर्स का अंडरस्टूड अरे बोलो हाँ एवरीबडी बढ़े क्या आगे चलो तुम्हारा फोटो भेजने का नहीं बोला है ना कौन सा भेजने का बोला सिर्फ आंसर्स का अब हैंडराइटिंग सबकी इतनी सुंदर नहीं होती है जैसी है वैसी है ओके डजंट मैटर आ जाओ कम टू पेज 19 और 18 कर लेते हम लोग 18 पे आ जाओ पेज नंबर 18 पे आओ रेडी एक सेशन खत्म करते हम लोग 16 रेक्टिफिकेशन अकाउंट्स में सबसे पहले बच्चों रेक्टिफिकेशन किसके लिए इस्तेमाल किया कंप्लीट द सेंटेंस रेक्टिफिकेशन ऑफ सिंपल है कि नहीं सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑल्टरेशन आई कैन डू वॉलंटरीली व्हाट इज रेक्टिफिकेशन फॉर ऑलवेज फॉर एरर क्लियर लियो अब किसके बारे में सेशन 16 बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी बराबर है सबसे पहली बार नेम ऑफ द कंपनी का रेफरेंस कहां पे आया था यू आर डिस्कसिंग नेम ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन में कौन सा सेक्शन था वो राष्ट्रपति नहीं चाहिए नेम एम्बलिन प्रोटेक्शन नहीं चाहिए वो सब अनडिजायरेबल नहीं चाहिए ऑफेंस नहीं चाहिए हाँ गुड सबसे पहले बच्चों रेफरेंस कंपनी का नाम कहां से आ रहा है कंपनी का नाम का ओरिजिन कहां से पता है ना एमओए एमओए में पहला क्लॉज सबसे पहला क्लॉज क्या है नेम क्लॉज आर यू एन याद आया क्या आर यू एन
बहुत जल्दी भूल गए तुम लोग सब कुछ. रिजर्व, यूनिक, नेम, क्लियर लियर. स्पाइस था, क्या था स्पाइस? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, है कि नहीं? उसका तुमको मैंने बहुत बड़ा स्टोरी बताया था, राइट एवरीबडी? आई एम सो श्योर तुम लोगों ने टेक्स्ट बुक खोला ही नहीं पिछले फ्राइडे सैटरडे से, है कि नहीं? पक्के से है कि नहीं? बड़े आगे चलो. रेटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी. अब उसका रेफरेंस देने की क्यों जरूरत थी? बिकॉज तभी हमने पढ़ा था कि कुछ कुछ नाम अलाउड नहीं है ना, कुछ कुछ बच्चे नाम अलाउड नहीं है. पर अगर तुमसे कुछ गलती हो गई, तुमने नाम अप्लाई करते हो तुमसे कुछ गलती हो गई, एज वेल एज वो गलती आगे कैरी फॉरवर्ड होके आरओसी से भी गलती हो गई है, इवन आरओसी हैज ओवरलुक्ड. समझा नहीं समझा? इवन बच्चों व्हाट? आरओसी हैज ओवरलुक्ड. नाउ वी कांट ब्लेम आरओसी. और तुम्हारा नाम बच्चों किसी और कंपनी के साथ नाम के साथ मैच हो रहा है. जो कोई कंपनी है उसका नाम किसके साथ मैच हो रहा है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मैच हो रहा है. तो बच्चों किसको बोलेंगे नाम चेंज करने को? पुरानी कंपनी को या नए कंपनी को? कॉमन सेंस बच्चों, नए कंपनी को. दैट इज इट. क्रेडिट लियो, आ जाओ. इफ ड्यू टू इनएडवर्टेंस, मतलब गलती से मिस्टेक, अरे हाँ है ना, अ कंपनी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अ नेम विच इज आइडेंटिकल विद और वेरी मच नियरली रेजेंबल्स विद द नेम बाय विच अ कंपनी इन एग्जिस्टेंस बाय विच अ कंपनी इन एग्जिस्टेंस हैड बीन प्रीवियसली रजिस्टर्ड. मतलब तुम्हारा नए कंपनी का जो भी तुम्हारी कंपनी है उसका नाम मैच होता है बच्चों कोई ऑलरेडी पुरानी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ. क्रेड लियो, तो हम किसको बोलेंगे? नई कंपनी को बोलेंगे भाई अपना नाम बदल दे. क्यों? बिकॉज इट इज वेरी मच आइडेंटिकल और इट क्रिएट्स कंफ्यूजन. क्लियर? बड़े आगे. द सीजी द पावर इज बच्चों डेलीगेटेड टू आरडी. व्हाट डू यू मीन पावर? डेलीगेटेड, डेलीगेशन, गिवन. मतलब हम एक कोई ना कोई हमारा जो काम रहेगा हम जूनियर को दे देते हैं. दैट इज बच्चों कॉल्ड एज डेलीगेशन. ओके, सो पावर इज डेलीगेटेड टू आरडी. सो द सीजी दैट मीन्स आरडी सुओ मोटू. ये किया हम लोगों ने वर्ड पहले, ये वर्ड किया हम लोगों ने पीछे लोगों पीछे लिखो नोटबुक में. ऑन इट्स ओन तुम लोग सुबह 6 बजे उठ के खुद होके बैठ के पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, है कि नहीं? बिना किसी के डांट खाए बताए बोले, है कि नहीं? दैट इज बच्चों कॉल्ड एज, मतलब है ना, सपना, है कि नहीं? है कि नहीं? दैट इज बच्चों कॉल्ड एज व्हाट? सुओ मोटो. ऑन इट्स ओन सेल्फ मोटिवेशन, है कि नहीं? खुद होके करना. क्लियर क्लियर? किसी के कहने पे नहीं, है कि नहीं? आज गाली खाई इसलिए कल जाके पढ़ाई कर रहे हो, है ना, कॉम्पेंसेट करने के लिए. दैट इज नॉट सुओ मोटो. अंडरस्टूड? तो व्हाट इज सुओ मोटो बच्चों? ऑन इट्स ओन, बिना किसी के बोले हुए. क्लियर लियो? सो चेक द सीजी द पावर इज बच्चों गिवन टू हाउ टू आर डी सुओ मोटो, मतलब ऑन इट्स ओन मे ऑर्डर टू रेक्टिफाई और चेंज द नेम. कि तो नाम तुम चेंज करो, उसमें जो भी तुम्हारी चीजें जिसकी वजह से हमको कन्फ्यूजन हो रहा है उसको तुम लोग क्या करो? चेंजेस करो. किसको बोलेंगे हम लोग? नए कंपनी को. अरे हाँ है ना, सिंपल. दिस हैज टू बी बच्चों डन इन हाउ मेनी मंथ्स? 3 months of the order. Important. 3 months बच्चों ऑनलाइन करके रखना इसको. 3 months of the order. After adopting an OR. मुझको बताओ क्या यहाँ पर भी name change है या नहीं है? वॉट एवर वी डिस्कसिंग इज इट बच्चों पर नेम चेंज और नो? येस. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम खुद होके वॉलंटरीली नेम चेंज करना चाहते हैं बिना कोई गवर्नमेंट ऑर्डर के, What process should I follow? Very good. Very good. Section 13. So it is voluntarily, बच्चों, then it is Section 13. Passing of SR. अगर involuntary है तो बच्चों government का order आ रहा है. इसलिए बच्चों वहां पर क्या आ रहा है? हमको simple लेना है बस, adopting an OR. समझा नहीं समझा? Okay? I think OR just थोड़ी देर पहले कहीं पर आया था क्या? ओवर कहीं पे आया था अपने को आज पढ़ने में? नहीं ना, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ओवर आया? बीआर आया ना? ठीक है, आज फिर देन आई थिंक आई हैड यू मेड अ टेबल फॉर ओवर एसआर, वो बनाया अपन ने. ठीक है,
ठीक है तो वो ले लेंगे अपन, चलो आ जाओ रेजोल्यूशंस पे आ जाओ। यहाँ पे लिख दो एसआर में भी तुम्हारे पास सेक्शन बच्चों कौन सा आएगा, 13 भी आएगा, बराबर है। सेशन 14 भी आएगा क्या? यस। फॉर व्हाट बच्चों? ऑल्टरेशन ऑफ एओए। हुआ ओआर में लिखो फिर सेक्शन 16 ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। बाय सीजी ऑर्डर बाय सीजी ऑर्डर करेक्ट एवरीबॉडी। हुआ आ जाओ। सो दिस शुड बी डन बच्चों विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 3 months ऑफ द ऑर्डर। यू जस्ट हैव टू अडॉप्ट, मतलब यहाँ पे फिर से डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। ओनली हैव टू इंडिकेट बच्चों ऑन पेपर कि 3 महीने में हमने ओआर पास करवाया, तो बस तुमको ऑन पेपर दिखाना है। ओके ले लियो, दैट इज 16-1A। 16-1B सेकेंड पार्ट, अगेन फिर से बच्चों गलती से मिस्टेक, इफ ड्यू टू इनएडवर्टेंस, ओके, अ कंपनी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द नेम विच इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स विद रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क। अरे हाँ या ना, अंडर द ट्रेड मार्क्स एक्ट, वॉट इज द ट्रेड मार्क? योर नेम, लोगो, हैव यू हर्ड ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो अगेन तुम लोग बच्चे, तुम्हारा जो तुम्हारा नाम रहेगा बिजनेस का इन स्पेशल फॉन्ट, स्पेशल कलर, स्पेशल डिजाइन, तो उसको बच्चों रजिस्टर करवाते हो, क्यों करवाते हो? पर ट्रेडमार्क पर क्यों करवाते हो ट्रेडमार्क? फिर कॉपी, सेम ब्रांड, सेम लोगों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए। क्लियरली एवरीबॉडी? अदरवाइज तुम्हारे गुडविल का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, वरना तुम्हारा पूरा गुडविल को बच्चों कोई और खा जाएगा। क्लियरली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? जैसे हल्दीराम्स हो गया, तुम्हारा जोशी वड़ा वाला हो गया, कोई भी जनरली यू सी एनी रेप्यूटेड ब्रांड, दे हैव बच्चों व्हाट, उन्हें रजिस्टर करवाया उनका ट्रेडमार्क। ओके, तो जो लोग भी ट्रेडमार्क करवाते हैं, यू हैव टू पे अ फीस फॉर दैट। तुम्हारा वो लोगों के जो भी फोटो पिक्चर है उसको अपलोड करना पड़ता है, एंड देन दे पब्लिश इट, दे मतलब देयर इज अ डिपार्टमेंट, दे पब्लिश इन देयर ओन मैगजीन जर्नल, और ऑलमोस्ट 1 साल तक वो ओपन रहता है। सो एज सुन एज यू अप्लाई फॉर इट, यू कैन यूज बच्चो स्टार्ट यूजिंग द वर्ड आर लाइक दिस, सुना रहेगा तुम लोगों ने शायद, दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड। और 1 साल हो गया, और 1 साल तक बच्चों किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया, बिकॉज इट गोज एज अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन कि ये बंदा ने ऐसा ऐसा नाम ऐसे ऐसे स्टाइल में रजिस्टर करवाया। इट कैन बी फैमिली बिजनेस, फैमिली में कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है और किसी ने उसको पहले रजिस्टर करवा दिया, यस लिया, तो किसी का कुछ रजिस्टर कुछ ये नहीं आया, झगड़ा या फिर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं आया, आफ्टर 1 ईयर इट गेट्स कन्वर्टेड बच्चों टू लाइक दिस ट्रेडमार्क। ओके एवरीबॉडी, ट्रेडमार्क क्लियर लियो। सो अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रेडमार्क तो कोई भी बिजनेस का हो सकता है ना, इट कैन बी प्रोपराइटर ऑल्सो। एक चाय वाला है बच्चों, अगर चाय वाला भी खुद के टपरी का उसका ब्रांडिंग रहेगा, कैन यू डू दैट? एब्सोल्युटली यस, विदाउट बीइंग अ कंपनी, यस। क्लियर लियो, तो चाय वाला, वड़ा पाव वाला भी रहेगा, प्रोपराइटर है, फर्म है, LLP है। द पॉइंट इज, कोई भी टाइप का लीगल एंटिटी रहने दो, कैन दे रजिस्टर देयर ओन ट्रेडमार्क? यस। तो ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था? व्हाट वाज मैचिंग विद व्हाट? नेम वाज मैचिंग विद अनदर कंपनी का नेम। अब यहां पे क्या हो रहा है? तुम्हारा कंपनी का नाम इज मैचिंग विद समबडी एल्सेस ट्रेडमार्क। समझा नहीं समझा? जो ट्रेडमार्क ओनर है दैट मे बी एन इंडिविजुअल और अ फर्म और LLP और कंपनी और एनीथिंग एल्स। बढ़े आगे हम लोग, डोमिनोज है,
डोमिनोज, लड़े बच्चों ट्रेडमार्क या कंपनी का नाम है वो? लड़े बच्चों ट्रेडमार्क, कंपनी का नाम क्या है? जुबिलेंट फूड। ओके, कभी उसका बिल देखना, इनवॉइस आएगा तुमको। ओके, जुबिलेंट फूड्स रहेगा उसका। देन तुम्हारा मैकडी का इंडिया में अलग ही है, तुम्हारे ये मैगी नूडल्स इज वॉट, कंपनी का नाम है क्या है फिर? कंपनी का नाम नेस्ले। सो दैट डिफरेंस बच्चों बिटवीन योर ब्रांडिंग एंड योर कंपनी ने, क्लियर लिया? सो मैगी स्टिल ऑब्वियसली बट ट्रेडमार्क और नो, दिस नेम इज ऑब्वियसली बच्चों और ट्रेडमार्क, अंडरस्टूड लियो? बड़े आ गए हम लोग। सो सच आप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सच एप्लीकेशन और कंप्लेंट इज टू बी मेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स को स्टार मार्क करो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। विद इन 3 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, किसने किसका क्या चुराया भाई? नई कंपनी ने कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का नाम चुराया है, क्लियर क्लियर? कंप्लेंट कौन कर रहा है? ट्रेडमार्क ओनर। तो उसके पास कितना टाइम है कंप्लेंट करने के लिए? 3 ईयर्स। हु हैज द टाइम टू कंप्लेन? द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क। कितना टाइम है उसके पास? 3 ईयर्स ऑफ फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, की ये कंपनी ने हमारा नाम चुराया है, फिर ये कंपनी ने हमारा ट्रेडमार्क चुराया है। 3 ईयर्स एज सच ओवरऑल इज अ गुड पीरियड ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ट्रेडमार्क का कुछ ना कुछ कोई और गलत इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे गुडविल पे, गुडविल पे फर्क पड़ रहा है, बराबर है? तो कहां पे कंप्लेंट किया? सीजी। सीजी मतलब कौन बच्चों? यहां पे आरडी। ओके, बाय द ट्रेडमार्क ओनर द सीजी मे ऑर्डर टू चेंज रेक्टिफाई बच्चों नेम विद इन हाउ मेनी मंथ्स? अगेन 3 मंथ्स ऑफ द ऑर्डर बाय अडॉप्टिंग ऑफ एन ओ आर। ऊपर भी 3 मंथ्स है और नीचे भी 3 मंथ्स है, याद रखना, ठीक है? तो 16(1) ये क्या था? नेम टू नेम मैचिंग था। और ये वाला तुम्हारा क्या बच्चों? नेम इज मैचिंग विद समबडी एल्सेस ट्रेडमार्क, क्लियर लियो? लिख देना बच्चों वापस 16(1) है। काम करता है, नेम मैचिंग विद नेम, और यहां पर बच्चों क्या? नेम मैचिंग विद ट्रेडमार्क। थ्री इयर्स इज इम्पॉर्टेंट। ओके, 3 साल गए तो गए, तो फिर ट्रेडमार्क ओनर बच्चों कैनॉट डू एनी कंप्लेंट टू द गवर्नमेंट, कैनॉट मेक एनी कंप्लेंट। बढ़े क्या आगे, ठीक है? 16(2) व्हेन द कंपनी चेंजेस इट्स नेम ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर, ओके, इट शुड इन्फॉर्म आरओसी विद इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज ऑफ डेट ऑफ चेंज अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ द सीजी ऑर्डर। कि हमने नाम क्यों चेंज किया? हम वॉलंटरीली कर रहे हैं क्या? नहीं। ओके एवरीबॉडी, तो सिंपली बच्चों बाय अडॉप्टिंग ओआर वी आर चेंजिंग द नेम, बट यू हैव टू इंटीमेट हु बच्चों? द आरओसी। ओके एवरीबॉडी, विद इन 15 डेज आरओसी विल इशू चेंज सीओआई, सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन हाउ मेनी डेज बच्चों? जो भी उन्होंने दिया नहीं है, एंड अपडेट द एमओए एज पर हिज ओन रिकॉर्ड्स। उसके रिकॉर्ड में जो भी दिख रहा है वो अपडेट करेगा। ओके, 16(3) पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, सीजी शैल अलॉट अ न्यू नेम एंड आरओसी शैल मेक एंट्री ऑफ सच न्यू नेम एंड इश्यू अ फ्रेश सीओआई विद न्यू अलॉटेड नेम। क्या समझो तुमको बच्चों? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर बताओ? व्हाई विल सीजी अलॉट अ नेम? वी आर 16(3) मतलब क्या बच्चों? पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। तो व्हाई विल सीजी अलॉट अ नेम? अगर तुमने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो, क्लियर क्लियर? ओके, चेक करो ऊपर तुम्हारे पास ऑर्डर आया कि नहीं आया, 16(1)A में या फिर 16(1)B में तुम्हारे पास ऑर्डर आया? किससे ऑर्डर आया? गवर्नमेंट से। क्या ऑर्डर आया? नाम चेंज करो। क्या यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर में लिखा कि योर नेम तुम्हारा भी आज ये है, तुम आज तक योगी राज थे, तुम कल से तुमको विन डीजल बुलाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, क्लियर क्लियर? बेसिकली यू हैड द ऑप्शन टू व्हाट? चूज योर ओन नेम, और तुमने बस किया ही नहीं, वो भी नहीं किया। यू डिड नॉट चेंज योर नेम, तुमने उसके आगे का प्रोसेस फॉलो नहीं किया। अरे हाँ, है ना? फिर अब गवर्नमेंट क्या बोलेंगे? अब हम जो भी नाम बोलेंगे, सोनू मंगू चोनू चोनू जो भी रहेगा, चोंगू मंगू, हम तुमको नाम लगा देंगे। यू हैव टू चेंज द नेम बिकॉज इट कैनॉट बी
कंफ्यूजिंग टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी, क्लियर लियो? सो तुम्हारे पास ऑप्शन था टू चूज अ नेम बट यू डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट, तुमने खुद हो के वो तुमने प्रोसेस फॉलो किया नहीं है, क्लियर? सो योर व्हाट विल हैपन, फिर तुमको बच्चों सीजी तुमको नाम चिपका देगा, क्लियर लियो? तो सीजी शैल अलॉट अ न्यू नेम, आरओसी उसका एंट्री बनाएगा और क्या देगा, फ्रेश COI, नाउ दिस इज योर न्यू नेम। अब आगे चेक करो बच्चों, आगे क्या लिखा है, द कंपनी इज फ्री टू चेंज इट्स नेम देयर आफ्टर बाय फॉलोइंग प्रोसेस गिवन सेक्शन 13, समझा? ऊपर से गया, जो नाम गवर्नमेंट ने लगाया इज दैट अ परमानेंट नेम? गवर्नमेंट ने फिर अभी क्यों नाम लगा के दिया तुमको नया, उनका पर्पस क्या है वो इतना समझो ना, पर्पस क्या है? दो कंपनी के नेम सेम नहीं हो सकते या फिर आइडेंटिकल नहीं हो सकते, तो जो नया का वाला कंपनी था उसका नाम चेंज करवा के दिया, अब तुमको पसंद है नहीं पसंद है, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो तुम खुद होके बाद में वॉलंटरली चेंज करवा लो, समझा? हमने तुमको चांस दिया था, तुमको बोला था कि भाई 3 महीने के अंदर उसको ऑर्डर पास करवाओ, नेम चेंज करो, बट यू हैव नॉट डन इट, सो हमने आपको ये नाम फिलहाल चिपका दिया है, अंडरस्टूड? पसंद है तो लो, नहीं पसंद है न्यू फॉलो प्रोसेस ऑफ व्हिच वन सेक्शन 13, समझा ना? जो नया नाम गवर्नमेंट अलॉट किया अगर वो पसंद नहीं तो क्या फिर ऑप्शन उनके पास, अलॉट कौन सा वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे वो लोग, ऑल्टरेशन ऑफ नेम एज पर सेक्शन 13, क्लियर? फाइन, चलो, तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ स्कोप टू चेंज नेम इवन आफ्टर द नेम हैज बीन अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट, ओके? आगे बच्चों पढ़ो, पेनल्टी वगैरह फॉर कंपनी 1000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, कहाँ पे डिफॉल्ट कंटिन्यू, 3 महीने वाला पीरियड है क्या? उसके बाद ना, तो 3 महीने की पीरियड के बाद वाला, ओके? ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड एवरी OID हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल, कितना बच्चों रुपीज, मिनिमम 5000 बट मैक्स 1 लाख रुपीज। इसमें बच्चों इशू क्या है, ये वाले पेनल्टी में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट डू यू सी, ये वाले पेनल्टी में इशू क्या है सच? एनी प्रॉब्लम यू सी इन दिस पेनल्टी? देयर इज बिग प्रॉब्लम फॉर कंपनी बच्चों, क्यों? ऑफिसर के लिए बच्चों मिनिमम कितना है, 5000, मैक्सिमम कितना है, 1 लाख। कंपनी के लिए कितना बच्चों, मैक्सिमम कितना है, नहीं दिया है ना, वही तो बता रहा हूँ मैं, कुछ दिया क्या मैक्सिमम, नहीं दिया, तो तुम्हारे से बहुत सारे रेयर काइंड ऑफ एग्जांपल्स या फिर केसेस है कंपनी लॉ में जहाँ पे कोई मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं है, विच मेक्स इट वेरी वेरी रिस्की, क्लियर ऑल ऑफ यू, अंडरस्टूड? मतलब उनको बहुत, उनको उसको ये चीज़ को बहुत स्ट्रिक्ट बनाना था, इसे दे हैव नॉट पुट अपर लिमिट ओवर देयर, बट मोस्ट ऑफ द सेक्शन में पेनल्टीज में तुम्हारा अपर लिमिट हमेशा रहेगा, बहुत रेयर जगह पे नहीं रहेगा, क्लियर? अगला वाला सेक्शन 17, इसको खत्म कर देते, डू सम क्वेश्चन आंसर, मतलब MCQ एक दो बार देख लेते हैं अपन, चलो आ जाओ। कॉपीज ऑफ MOA AOA टू बी गिवन टू बच्चों, हु, मेंबर्स, किसका बच्चों पावर है वो, मेंबर्स का, ठीक है? विद इन हाउ मेनी डेज, 7 डेज ऑफ रिक्वेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ फीस, फोकट में नहीं मिलेगा, बेसिकली कौन कैसे क्या मांग रहा है, मेंबर्स कंपनी से कॉपी मांग रहे, किसका कॉपी, MOA AOA, इज इट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मेंबर का तो मतलब वो तो उसके लिए घर का डॉक्यूमेंट है वो तो, क्लियर है एवरीबॉडी? बट अगर उसको फिजिकल कॉपी चाहिए, प्रिंटआउट का खर्चा आएगा, समझ रहे, नहीं समझ, अगर उसको फिजिकल कॉपी चाहिए उस बच्चों ऑफिस से, देन प्रिंट आउट का खर्चा आएगा, तो उसका बस कॉस्ट रिकवर करवाएगी कंपनी, ओके? सो ऑन पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट ऑफ फीस समझा एवरीबॉडी, प्रिंट आउट का फीस जो लगेगा उनको, सो पेमेंट जब किया मेंबर ने, उसके विद इन 7 डेज कंपनी हैज टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर कॉपी, कॉपी किसका, MOA AOA या फिर एवरी अग्रीमेंट रेजोल्यूशन फाइल अंडर सेक्शन 117 को, बहुत टाइम है, दैट टाइम वी विल सी, ओके? बट दीज थिंग्स आर एक्सेसिबल टू द मेंबर, दैट ऑल्सो फिजिकली प्रिंट आउट बाय मेकिंग पेमेंट, अंडरस्टूड क्लियर? अब इसमें तुम्हारे बच्चों के अंदर नंबर ऑफ डेज अवेलेबल यहाँ पे 7 डेज, केस स्टडीज आते हैं, द कंपनी इज चार्जिंग ₹50 पर पेज एंड उन्होंने वो लोग 45 डेज के बाद देने वाले हैं कॉपी, द CS ऑफ द कंपनी हैज सेड दैट मैनेजर इज नॉट अवेलेबल, ही इज आउटसाइड इंडिया, दैट्स वाई वी कांट टेक अप्रूवल और परमिशन, वो अगले महीने आएगा तब आपको दिया जाएगा, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग, रॉन्ग, अभी ₹50 पर पेज का स्टोरी बाद में आएगा अपने को, मैक्सिमम द कंपनी कैन चार्ज ₹10 पर पेज, वो बाद में आएगा, बट एटलीस्ट नंबर ऑफ डेज को तो यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है, विद इन हाउ मेनी डेज कंपनी हैज टू सबमिट, 7 डेज में उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा,
क्लियर एवरीबॉडी? बढ़िया गया हम लोग. वरना चेक करो तो कंपनी इन ओआईडी हु इज इन डिफॉल्ट कितना बच्चों 1000 फॉर ईच डे. अब यहाँ पे अपर लिमिट है कि नहीं है, कंपनी एंड ओआईडी 1000 फॉर ईच डे, बट मैक्स कितना बच्चों 1 लाख रुपीज. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ. 16 पेज नंबर क्या है? 31. दो उसका आंसर 16. ए डी. A company registered with the name of a trademark already in existence. CG can give it order anytime to change its name. Anytime तो नहीं है. Company will have to change its name within 3 months of CG order. ये भी सही है. Trademark owner will have to make a complaint which will how many years? 3 years. ये सही है. तो B and C. That is option D. हुआ? ट्वेंटी फाइव. रेडी बच्चों? इसमें थोड़ा सा एरर है आंसर में विच विल रेक्टिफाई, तो एक साथ पढ़ो मेरे साथ. ओके पहुंचे सब लोग. बंगलू एंड फ्रेंड्स गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी इन द नेम ऑफ टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड. टैक्समैन इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. आफ्टर 5 years when the owner of the trademark came to know about the same, it filed an application with the relevant authority. Chalega, nahi chalega? To kiska wo ground lose ho gaya? Taxman, trademark owner ka ground has been lost. Samjha? Okay. Can the company be compelled? Compelled ka matlab forced to change its name by owner of the trademark. Can he force now? No. Can the owner of the registered trademark request the company? He can always request. Uske liye paisa bhi de sakta hai na? कंपनी को. समझ रहे नहीं समझ रहे? एंड कंपनी कैन देन वॉलंटरली गो फॉर व्हाट? चेंज इन नेम. समझा नहीं समझा? तो दे आर ट्राइंग टू व्हाट, उसको मतलब सुलह कर. सुलह मतलब क्या? खुद दोनों खुशी खुशी बच्चों से चेंजेस करवाने को चल रहा है. एंड देन कंपनी कैन मेक चेंजेस नेम एट इट्स ओन डिस्क्रिप्शन. बट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या था? चॉइस या फिर पावर. लिखा गया वर्ड पीछे, आई थिंक चेक कर लो एक बार. डिस्क्रिप्शन मीन्स चॉइस या फिर पावर. ओके द आर ओ सी एस डिस्क्रिप्शन याद आ रहा है क्या? लिखा है क्या वर्ड? चेक करो पीछे नोटबुक में. डिस्क्रिशन लिखा है, चॉइस या फिर पावर. यस चलो रेडी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इफ अ कंपनी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इन द ओपिनियन ऑफ द सीजी इज आइडेंटिकल विद द नेम बाय विच अ कंपनी इज बीइंग प्रीवियसली रजिस्टर्ड, इट मे डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम. कंपनी शैल बच्चों पास वॉट ओ आर विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. देन अगर वो इज आइडेंटिकल विद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एंड द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क हैज टू अप्लाई टू वॉट बच्चों? सी जी विद हाउ मेनी इयर्स? 3 years ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इट मे डायरेक्ट द कंपनी चेंज इट्स नेम. द कंपनी शैल चेंज इट्स नेम बच्चों बाय पासिंग ओवर विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 6. गलत है ना? फिर उसको रेक्टिफाई करो बच्चों. Clear? Company shall give notice to ROC with order of CG within 15 days. In case of default, company and defaulting officer ke upar bachcha punishable hai. In the given case, owner bachcha is filing after 5 years. While usne 3 saal ke andar karna chahiye tha. Therefore, the company cannot be compelled to change its name. As per section 16, company can anytime change its name by passing SR and taking CG approval. Therefore, if owner requests the company for change its name, and company accepts the same, it can change the name voluntarily by following provisions of section 13. मतलब खुशी खुशी दोनों का बच्चों agreement अगर हो गया then it can work out, but legally speaking there is no authority the trademark owner has against the company. Clear? Fine till you.
सेक्शन 19 20 काफ़ी बड़े हैं, कल शायद दोनों में टाइम चला जाएगा बस में उसमें ओके तो और एक या दो लेक्चर लगेगा मैक्स, देन विल फिनिश दिस चैप्टर ओके एवरीबॉडी। जो होमवर्क दिया है हो सके तो आज ही कंप्लीट करो एंड पुट द आंसर्स इन द ग्रुप, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पक्के से डालना। चलो अभी के लिए इतना ही।